जो खुलासा करने वाला हूँ ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी हाँ, कोरोना को लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। क्योंकि आप लोग को पता होगा कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्ड है 18 साल से लेकर 45 साल जो एज वाले लोग हैं उन लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया। अब वही जहाँ बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाया है। हालांकि उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट्स किया कि वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको गाइड किया था कैसे क्या क्या करना है। तो आज इस वीडियोस में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को फिलअप करना है फॉर्म, और मैं खुद यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आसानी पूर्वक आप बस अपने मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करके आप ये चीज़ें कर पाओ, बस उसमें इंटरनेट होना चाहिए। और जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाला हूँ जिसको अगर आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान थोड़ा रखना होगा, जिसके बारे में लास्ट में आप वीडियोस में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं हमेशा की तरह इस वीडियोस में भी आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, अगर वीडियोस को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर देना, ओके, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए जो मोटिवेशन मुझे मिलता है वो आपके लाइक से ही मिलता है, इसलिए वीडियोस को लाइक तो बनता है यार, वीडियोस को लाइक कर देना और पल पल इस तरह की वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को चलूँगा अपने लैपटॉप पे, वहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बताऊँगा कैसे प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको फिलअप करना है फॉर्म को और कैसे आपको वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए वो देख लेते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले लैपटॉप पे चलो। तो दोस्तों अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो वेबसाइट मैं यहाँ बता रहा हूँ इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, जितना कोविन देख सकते हो बस इतना सर्च करो गूगल पे, आपको यहाँ पे आ जाएगी। और फर्स्ट जो यहाँ पे आपको gov.in वाला जो वेबसाइट होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसा कि फर्स्ट में ही आ गया तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो वेबसाइट कुछ इस प्रकार है, और ऊपर वेबसाइट के लिंक पे थोड़ा ध्यान दे देना, उसमें .gov.in होना चाहिए, ओके, क्योंकि काफी सारी फेक वेबसाइट यहाँ पे चल रही है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का भी कॉलम मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आप जिस नंबर से रजिस्टर करना चाहते हो तो आप उसको मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मोबाइल नंबर फिलअप करोगे उसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पे एंटर करना है ओटीपी को, तो चलिए ओटीपी को हम यहाँ एंटर कर लेते हैं, उसको यहाँ पे वेरीफाई आपको कर लेना है। और जैसा कि देख सकते हो आप लोग को ये भी यहाँ बताया जाता है कि एक मोबाइल नंबर से आप चार लोगों का यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं वैक्सीन के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आईडी प्रूफ है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी पैन कार्ड, तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का सेलेक्ट करो, उस आईडी का नंबर डाल करना आपको यहाँ पे। उसके बाद आपका नाम और यहाँ पे जेंडर और अपना जो भी होता है जिस ईयर में आपने डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर कर देना, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया। और जैसा कि चार लोग को और तीन लोग और ऐड कर सकते हो, फाइनल यहाँ पे चार लोग को आप ऐड कर सकते हो, एक और यहाँ पे ऐड करना मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। उसका सेम प्रोसेस जैसा मैंने पहले किया, तो आपको यहाँ पे फिर से वही करना होगा, वो आईडी सेलेक्ट करना, उसको नंबर डालना, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ फाइनल आता है यहाँ पे शेड्यूल, मतलब आप कौन से डेट को लेना चाहते हो, मतलब वैक्सीन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ दोनों सेलेक्ट एक बार क्लिक कर सकते हो और एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आगे आपको यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डालना होगा, पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे सर्च करना, वहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आपके एरिया में यहाँ पे वैक्सीनेशन का स्लॉट खाली है या नहीं। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 18 से 45 इयर्स वालों को यहाँ पे देख सकते हो, 45 इयर्स नीचे वालों को यहाँ पे मुझे स्लॉट नहीं मिला, तो फाइनली मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पा रहा था, ओके। तो जैसे ही देखोगे यहाँ पे 18 साल वालों के यहाँ पे नीचे आपको बुक का रेड ऑप्शन आ रहा है, नहीं हो पाएगा। तो अगर 45 साल से ऊपर हो तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन 18 साल से 45 साल के नीचे वालों को यहाँ पे अभी स्लॉट मुझे नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे मैं बुक नहीं कर पाया। जैसे ही आता है आप वहाँ पे बुक करके आप रजिस्टर करके अपने वैक्सीनेशन जगह पे जाके अपना वैक्सीन आप करवा सकते हो, वैक्सीन ले सकते हो। तो ये प्रोसेस है। तो जैसा कि आपने देखा कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, अब यहाँ पे जो स्लॉट वाला मुद्दा है इसी पे मैं बात करने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ स्लॉट बुकिंग, अब इसको लेकर काफी बड़ा अफवाह फैल रहा है, अफवाह नहीं बोल सकते हो, लुटेर जो लुटेरे लोग हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपसे आपके स्लॉट मतलब वैक्सीन लगवाने के स्लॉट बुकिंग को लेकर और काफ़ी सारे एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए हैं, बहुत सारे वेबसाइट फर्जी आ चुकी है, जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आप स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो आप यहाँ से करवाओ, यहाँ पे स्लॉट बुकिंग हो जाएगी और वहाँ से आपसे चार्ज भी लिए जाते हैं, मतलब आपकी डिटेल तो ली ही जाती है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे पैसा इतना दो, ये चीज़ दो, मैं आपके स्लॉट को बुक करवा दूँगा,
तो मैं आप लोग को यही सतर्क करना चाहता था। और इस वीडियोस में मैंने स्टार्टिंग जो बातें बोली वो यही बातें थी कि यहाँ पे आपको किसी भी फर्जी वेबसाइट या ऐप से आपको सतर्क रहना, किसी भी तरह के स्लॉट बुकिंग के लिए आपको किसी भी फर्जी ऐप और वेबसाइट और किसी भी लोग की बातें में नहीं जाना है। आपको सिंपल सा जो मैंने प्रोसेस बताया आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे देखते रहो, जैसे ही यहाँ पे स्लॉट आता है खुद अपना स्लॉट आप खुद बुक कर पाओगे। ओके, जैसे ही देखोगे आपके एज का लिमिट का यहाँ पे स्लॉट ग्रीन नज़र आ रहा तो आप वहाँ पे बुक कर पाओगे और किसी भी तरह के फर्जी ऐप या वेबसाइट पे आप ना जाओ। ओके, और अपने आप को यहाँ पे सिक्योर करो, अपने डेटा को सिक्योर करो, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ कि आपकी जो डेटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, तो उसको आप यहाँ पे बचाओ। और जैसा कि आपको बचत पैसे की भी हो रही है, क्योंकि फर्जी एप्लीकेशन वाले और जो वेबसाइट वाले आपसे पैसे भी यहाँ पे ठग लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सतर्क करना चाहता था। और आई होप दोस्तों आपको जितनी भी बातें थी मैंने आपको एक चीज़ें क्लियर कर दी। फिर भी आपको किसी तरह के डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी बातें कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, मैं आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्योर होते हैं, उसका जवाब वहाँ पर जरूर दूंगा। और सेकंड, आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और फिर मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियोज़ को लाइक कर देना दोस्तों। ओके, और इस वीडियोज़ को शेयर कर देना जो भी यहाँ पर लोग खासकर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं या वैक्सीन खुद रजिस्ट्रेशन करने वैक्सीन के लिए, तो उनको ये चीज़ें ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो जाते थे एक छोटी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कर लिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो साथ।